हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अनिकेत और आप लोग देख रहे हैं मूवी एक्सप्लेनेशन हिंदी चैनल को। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों, हम अपनी स्टार्ट करते हैं मूवी जिसका नाम है एग्ज़ाम। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक एग्ज़ाम हॉल में आते हैं अपना एक एग्ज़ाम देने के लिए। बेसिकली एक इंटरव्यू था जिसमें एग्ज़ाम था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर कैंडिडेट को एक पेपर शीट दी गई थी जिसपे अलग अलग उनके नाम लिखे हुए थे। यहाँ पर हम एक इन्विजिलेटर को देखते हैं उस एग्ज़ाम के, जो उस एग्ज़ाम में आता है और उस एग्ज़ाम के सारे रूल्स उन कैंडिडेट्स को बताता है और कहता है कि एग्ज़ाम टाइम में ना तो कोई बाहर खड़े गार्ड से कुछ बात करेगा, ना वो मुझसे कुछ पूछेगा, और ना ही जो उनका हमने क्वेश्चन पेपर आपको हम लोगों को दे रखा है, ना कोई उसे डिस्ट्रॉय करेगा, फिर उस पर उसे बिगाड़ेगा। जो ऐसा करेगा उसको यहाँ से रस्टिगेट कर दिया जाएगा और इस रूम से उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा कहने के बाद जो इन्विजिलेटर होता है वो उस क्लॉक में अपना 80 मिनट्स का टाइम सेट कर देता है और सबसे कहता है कि क्या किसी को क्वेश्चन पूछना है, तो सब लोग उसे मना कर देते हैं। ऐसा कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही सारे लोग अपने क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो है ही नहीं, तो वो लोग उसे पलट कर देखते हैं अपने अपनी अपनी आंसर शीट को। उन्हें ये पता चलता है कि इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़की गलती कर देती है, उस पर कुछ लिख देती है, तभी उसे उस रूम से रस्टिगेट कर दिया जाता है और उसे गार्ड रूल्स के मुताबिक उस लड़की को बाहर निकाल देता है। तभी दोस्तों, वहाँ पर एक लड़की होती है जिसे याद आता है उस इन्विजिलेटर की बातें कि हम अपने आंसर शीट्स को बिगाड़ नहीं सकते। तभी वहाँ पर एक आदमी होता है जिसे इन्विजिलेटर की बातें याद आती हैं और वो सोचता है कि इन्विजिलेटर ने हमें गार्ड से मना करने के लिए कहा है बातें, तो हम आपस में तो बातें कर ही सकते हैं। वो सब लोग एक दूसरे से बातें करने की कोशिश करते हैं। सभी कैंडिडेट एक दूसरे को अपना नाम नहीं बता सकते थे, तो वो एक दूसरे को अपना अलग अलग नाम देते हैं। उनमें से एक आदमी होता है, वो अपना नाम तो वाइट रखता है। उनमें से दूसरा आदमी होता है, उसका ब्लैक, एक का नाम ब्लॉन्ड, एक ब्राउन, एक ब्रूनेट एंड एक लैटिना। तो कुछ इस तरह से वो लोग आपस में अपने नामों को रखते हैं। इसमें वो लोग, उनमें से जो वाइट होता है वो खड़ा हो जाता है और वो सब लोग आपस में मिलकर बात करने की देखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम उस क्वेश्चन को कैसे ढूंढें। तो वो लोग उस रूम की सारी लाइट्स को तोड़ देते हैं और देखते हैं कि क्या यूवी रेज में वो लाइट दिखती है, हमें वो क्वेश्चन दिखता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, उन्हें क्वेश्चन नहीं दिखता। फिर वो लोग उसको जलाकर देखते हैं, उसके ऊपर पानी, क्वेश्चन पेपर के ऊपर पानी डालकर देखते हैं, पर फिर भी उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं मिलता, क्योंकि उस लैटिना नाम की लड़की ने अपना क्वेश्चन पेपर बर्बाद कर दिया था, तो उसे बाहर निकाल दिया गया था। तब धीरे धीरे करके वाइट लड़का, एक बहरे आदमी जो डीफ था, उसका भी क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे बाहर निकाल देता है। तब वो जो वाइट लड़का होता है वो ब्राउन लड़ने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं इन लोगों को इस रूम से मैं बाहर निकलवा सकता हूँ। वो ये सोचने लगता है कि इस क्वेश्चन को, यानी कि इस इंटरव्यू को वही पास करेगा जो लास्ट तक बचेगा। तो वो ऐसा इन सब लोगों को बाहर निकालने के लिए कर रहा था, उनसे लड़ाई कर रहा था। तो हम देखते हैं कि वो उन लोगों से, जो वाइट आदमी था वो उन लोगों से कहता है, रूम के सभी लोगों से, कि मेरी पॉकेट में एक मेडिसिन रखी है, अगर वो मुझे नहीं दी गई तो मैं मर जाऊँगा। वो लोग उसकी बात को नहीं मानते, उसे चीटर समझ के एक चेयर पर बैठा देते हैं। फिर उनमें जो ब्राउन में होता है वो एक लड़की को परेशान करता है, उसे इंटरोगेट करता है और कहता है कि तुम्हें इस रूम से बाहर जाना होगा, क्योंकि मैं और किसी को जीतता हुआ देखना इस रूम में नहीं चाहता। तो वो उस लड़की को इंटरोगेट करता है, पर वो लड़की भी डटी रहती है और उस रूम में ही रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वाइट आदमी था उसके नोज से ना खून निकलने लगा था, जिससे जो ब्लैक था उसको ये पता पड़ता है कि इसको भी वही बीमारी है जो उसकी वाइफ को थी। अगर हमने इसको गोली नहीं दी, यानी कि इसकी मेडिसिन नहीं दी, तो ये आदमी मर जाएगा उसी की वाइफ की तरह। सभी लोग वाइट की पैंट्स में और उसकी शर्ट में उसकी मेडिसिंस को सर्च करने लगते हैं, पर उसकी जो मेडिसिंस थी वो किसी को भी नहीं मिलती हैं। तभी वहाँ पर एक अलार्म बजता है और जो गार्ड होता है वो एक ब्रूनेट लड़की को बाहर निकाल देता है। तभी एक दूसरी लड़की को, यानी कि ब्लॉन्ड को, उसकी मेडिसिंस जो है पा जाती हैं वाइट की, वो उसे दे देती है मेडिसिंस और वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो वाइट गाय होता है वो यहाँ पर रिवील करता है कि जो इस रूम में एंड तक बचेगा कंपनी उसे ही जॉब देगी। ऐसा सुनने के बाद सारे लोग एकदम से पागल जैसे हो जाते हैं और एक दूसरे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, वो एक दूसरे को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तब उनमें से जो ब्लैक गाय होता है उसे याद आता है कि हम गार्ड से बोल ही नहीं सकते, कम से कम उसकी गन तो ले सकते हैं। वो उसकी गन ले लेता है, पर उसे पता पड़ता है कि ये जो गन है वो एक फिंगरप्रिंट से चलती है, जो गार्ड का ही फिंगरप्रिंट है। तो वाइट गाय ब्लैक से गन को छीन लेता है और गार्ड के फिंगरप्रिंट लगाकर वो गन को एक लड़की पर पॉइंट करता है। पर जो वहाँ पर ब्राउन गाय होता है वो ये सब देखकर वो चाहता है कि मैं ऐसी जॉब नहीं पाना चाहता, वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि एक लड़की और जो गन से डर गए थे वो भी बाहर निकल जाती है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि रूम में सिर्फ अब दो ही गाय बचे हैं, एक ब्लैक और एक वो
वाइट गाय। तो वाइट गाय ब्लैक को गोली मार देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मर जाता है। तब जो वाइट गाय होता है, जो हमने देखा था कि जो ब्लॉन्ड लड़की थी वो बाहर निकली हुई थी, वो पूरी तरह से बाहर नहीं थी, उसका जो एक पैर था वो रूम के अंदर था, जिससे वो इनकम्प्लीटली बाहर थी। तभी हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है और वाइट सोचने लगता है कि मैं जीत गया, वो चिल्लाने लगता है। तो हम देखते हैं कि जो गार्ड है वो वाइट को एक टाइम दिखाता है और कहता है कि तुम अभी जीते नहीं हो, क्योंकि टाइम पूरा होने में कुछ समय अभी भी बाकी है। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो डीफ गाय था, उसने हमें पता पड़ता है कि उसने जो टाइम था वो कुछ समय आगे बढ़ा दिया था, जिससे जो टाइम था वो पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तब हम देखते हैं कि जो वाइट गाय होता है वो परेशान आकर अपने आप को गोली मारने की कोशिश करता है, पर वो गोली चलती नहीं है क्योंकि वो फिंगरप्रिंट से लॉक थी। गार्ड उस आदमी को बाहर निकाल देता है और जो ब्लॉन्ड गर्ल थी वो रूम में जो इनकम्प्लीटली अंदर थी वो रूम के अंदर आ जाती है। तब हम देखते हैं कि उसको रूम में एक गॉगल्स मिलते हैं, उन गॉगल्स को वो उस क्वेश्चन पर पेपर पर लगाकर देखते हैं, तो उसे पता पड़ता है कि वहाँ पर कुछ छोटा छोटा लिख रहा है जिस पर लिख रहा था क्वेश्चन नंबर 1। तो उसे इन्विजिलेटर की जो बातें हैं वो याद आती हैं और उसे पता पड़ता है कि क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन ही नहीं था, क्वेश्चन पेपर में वो सिर्फ वही क्वेश्चन था जो इन्विजिलेटर ने हमसे पहले पूछा था, जो था क्या आपके मन में कोई सवाल तो नहीं है। तब इन्विजिलेटर अंदर आता है, ब्लॉन्ड गर्ल से यही सवाल पूछता है कि क्या तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन तो नहीं है। तो ब्लॉन्ड गर्ल डायरेक्टली उसे कह देती है, सर मेरे मन में कोई क्वेश्चन नहीं है, वो उसे डायरेक्टली नो कह देती है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डीफ गाय था वो इस कंपनी का CEO था और वो चाहता था कि हम इस कंपनी में एक ऐसे एम्प्लॉय को अपॉइंट करें जो कि एक ऐसी हो जो कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां आ जाए वो उनमें डटकर खड़ी हो, उनका डटकर सामना करे। और वो सारी खूबियां उस ब्लॉन्ड गर्ल में थी, पर वो इस कंपनी में जॉब नहीं चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी ऐसी जॉब को जिससे कुछ लोगों की मौत हो। तब इन्विजिलेटर उस लड़की को दिखाता है कि जो गोली उस ब्लैक को लगी थी वो एक नकली गोली थी और उसे उसकी जॉब जो है वो फिर से मिल जाती है। दोस्तों हमारी मूवी यहीं पर एंड होती है, तो मूवी को देखने के लिए धन्यवाद और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना वीडियो को।